गाइस, कैसे हैं आप सभी को? आई होप कि आप सभी को ठीक होंगे गाइस। और आज है संडे, और जैसे कि मैंने कल पिछले वाला व्लॉग में बताया था, मेरा फोन टूट गया था, इसकी वजह से व्लॉग में शूट नहीं कर पा रही थी। और आज से कंटिन्यू व्लॉग मेरा चल रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो चुकी हूँ। और गोलू बाबू का उधर फ्रेश कर रहा है, मत देखो गाइस। और अभी रुपेश भी आया हुआ है रूम पे, उधर बैठा हुआ है, वो भी कंघी कर रहा है ड्रेसिंग के सामने। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्सली पहाड़, और फर्स्ट टाइम, क्योंकि एक बार भी हमने मार्सली पहाड़ बिल्कुल भी नहीं गया है। थोड़ा सा फोन बंद करना। तो सोचे कि चलो आज मार्सली पहाड़ चलते हैं, बहुत सुने हैं जगह का नाम, और बहुत कोई को जाते हुए भी मैं देखी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार हम लोग भी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सब कोई जानते ही है इस जगह के बारे में, जिनको नहीं जानते उनको मैं आज दिखाने वाली हूँ मार्सली पहाड़। और आज का मौसम थोड़ा थोड़ा बारिश वाला है, तो हम लोग थोड़ा धुंधला वाला मौसम में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में जाने में धुंधला वाला मतलब बारिश आता है तो थोड़ा कुहासा वाला रहता है, तो ऐसे मौसम में जाने से बहुत मजा आता है, वो भी पहाड़ों में बहुत अच्छा वाइब आता है। तो सोचते हैं कि चलो अब चलते हैं करके, और बहुत टाइम हो गया था हम लोग मिले भी नहीं थे फ्रेंड लोग से, तो सोचे कि चलते हैं करके। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं मार्सली पहाड़, और आप लोग को भी लेके चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, और अभी हम लोग एक ही बाइक पे जा रहे हैं सभी लोग, हम रुपेश मनीषा और बाबू एक ही बाइक, क्योंकि हम लोग तीन ही चलते हैं, तो सोचे एक ही बाइक पे चलते हैं, क्या एक बाइक लेके जाएंगे। और देखो गाइस अभी थोड़ा थोड़ा बारिश थमकने लगा है, पता नहीं अगर ज्यादा बारिश होगा तो फिर रुक के जाना पड़ेगा, देखते हैं बारिश तेज होता है या नहीं। चलिए अभी हम लोग चलते हैं। नीचे से ऊपर हम लोग, अरे 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 नहीं 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 रुपेश नहीं, अरे अरे भाई तुम्हें कैसे इंसान लोग यार तुम लोग, अरे बस 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 यार कुछ होगी क्या। तो गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं एकदम हम लोग ऊपर पे, और यहाँ पे मंदिर भी बन रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं मंदिर दिखाती हूँ, ये रहा मंदिर बन रहा है, और ये शायद कुछ घर जैसा है, ऐसा है पता नहीं। यहाँ पे भी गाड़ी उड़ी लगाए, और इधर एक झंडा लगा हुआ है देख सकते हैं, और उधर कुछ कपल्स इंजॉय कर रहे हैं, मतलब बैठे हैं टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई उन लोग को इग्नोर करोगे इस पर। देखो यहाँ से जंगल भाई देख रहे हो, मतलब ये सब पूरा जंगल है, देख सकते हैं आप लोग, ये सारा जंगल है इधर चारों तरफ है, ठीक है देख रहे हैं ना, इधर चारों तरफ खाली जंगल है। और आते वक्त मैंने देखो अभी के लिए कुछ चिप्स लेके आई थी और ब्रेड लेके आए थे, ताकि हम लोग थोड़ा सा खाएंगे करके। और देखिए इधर इतना प्यारा लोकेशन है, और थोड़ा काला काला बादल भी है, बारिश होने का चांस है। और देख रहे हैं इधर कितना मस्त लग रहा है दूर से, तो बहुत ही अच्छा है, बताओ बहुत अच्छा लोकेशन है सच में यार, सच में। जगह का नाम है मार्सली पहाड़, तो आइए कभी आप लोग भी यहाँ पे। और हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं, बाकी रुपेश आया हुआ था पहले से, हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं। इतना सामने देखें, खोलने के लिए बोल रहा, खोलो ना रे, खोल दो। हाँ बेटा हम लोग कहाँ आ गए, देखो तो हम लोग जंगल को ऊपर में गाड़ी चढ़ा दिए, देख सकते हैं गाइस क्या चीज, बहुत ही अच्छा लोकेशन है गाइस, इतना प्यारा लोकेशन हुआ। गाइस देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा बारिश हो रहा है, पूरा फंस गया यहाँ पर, फंसेगा भाई बचे वो। अरे ये अच्छा भाई, ये बचने वाला था, नहीं तो गए देखा और सही। तो गाड़ी में कैसे घूम रहा है, और हमारा गाड़ी के देखो भाई कहाँ आ रहा है, ठीक रहा है मेरा गाड़ी ना आ रहा है, तो आपसे लगता है बारिश छूटना मुश्किल है, अगर यहाँ रुकेंगे पता नहीं, देखते हैं कितना देर पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए सभी लोग यहाँ पे ही बच रहे हैं, क्योंकि यही एक बना हुआ है बचने के लिए, बहुत ज्यादा भीड़ है, और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा गई से, जितना लोग बच रहे हैं, पता नहीं गया बारिश कब टूटे, और मेरा बाइक भी धुला जा रहा है उधर, पूरा गाड़ी धुला गया, लोग गई
बारिश छूटेगा तब हम लोग निकलेंगे थोड़ा देर बाद, अगर छूट जाता है तो। और गाइस अभी जस्ट बारिश छूटा, फिर से हम लोग आए हैं, एक सोचे दो तीन और बना लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आई है, पता नहीं फिर कब आएंगे, तो सोचे अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। और पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है, ये सब में पानी भर गया, लगता बारिश की वजह से ऊपर में पानी गिरता है, वो सब नीचे ऐसे बहते हुए जाता है, तो थोड़ा सा देख के आना क्योंकि बारिश। अरे हाँ भाई, तभी से बोल रहा है गोलू कि मेरा बाइक तो धुला गया। अरे हाँ धुला दो गया, क्योंकि आते वक्त हम लोग गाँव के रास्ते से आए ना तो कादो लग गया था, लेकिन अभी गाड़ी एकदम नया वाला लग रहा है भाई, धुलाया तो है देखो ये है ना। ये कैसे दौड़ता है, डर है कुछ होगी ना, और पूरा दौड़ते आ रहा है ना, डर नहीं लगता है रे उसको। जैसे ही बारिश छूटा, जितने भी लोग बचे हुए थे वहाँ पे, सबको ही अब सोचे अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो चलो मैं बैग यहाँ पे रखती हूँ, बैग गाड़ी में छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत, वीडियो तो अभी शूट करना ही ना है, अभी बारिश छूट गया थोड़ा मौसम साफ करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। हेलो, इसको रख दो, ठीक है। यहाँ पे मनीषा के सब्सक्राइबर मिल गया है और यहाँ पे फोटो उठा रही है मनीषा अभी। तो गाइस अभी हम लोग आए इधर एकदम नीचे साइड में, और मंदिर से पूरा एकदम नीचे तरफ, और नीचे पूरा पत्थर और पूरा जंगल ही दिख रहा है, और मनीषा उधर फंस गई अपना फैन लोग के बीच में, देखिए उधर सब लोग फोटो खिंचा रहा था मनीषा के साथ, अभी वो आ रही है पैदल चलते हुए। गाड़ी एक्चुअली पूरा एकदम नीचे लेके आया, बस चला गया था, और मनीषा उतर गई गाड़ी से, मुझे बहुत डर लग रहा है, बंदा यही था हम लोग बाइक से आ गए थे, रील्स वगैरह कुछ फोटोज वीडियोस वगैरह बनाते हैं। से भाई पहली बार आया यहाँ पे तो सोचे बहुत सारे फोटोज वीडियो लेके जाएंगे, और लोकेशन बहुत ज़्यादा मस्त है गाइस, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया, और मनीषा भी फर्स्ट टाइम आई थी और बहुत ज़्यादा पसंद आया ये लोकेशन, आप लोग भी यहाँ विजिट कर सकते हैं जरूर। ओके गाइस बाय, बोलू लोग जा रहे हैं गाइस बाइक में, और मैं तो इन लोग के साथ नहीं जा रही हूँ, मैं बोली कि भाई मैं पैदल ही जाऊँगी क्योंकि इतना खतरनाक रास्ता है इधर, मैं क्या बताऊँ। मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाने वाली हूँ अभी, ये वाला है तो मैं भी इधर का नहीं देखी थी, ये बहुत बड़ा एरिया में जो मसली पहाड़ है, मतलब बहुत ही बड़ी एरिया में सबसे ऊपर में ये जगह है, और यहाँ पे बस चट्टान ही दिख रहा है सब तरफ, यहाँ पे सुनने में आता तालाब था करके, अब कुछ आइडिया नहीं है। आप चलो देखते हैं भाई ये तालाब है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा है, चलो इधर दिखाते हैं, कुछ गड्ढा हो गया, तालाब तो नहीं लग रहा है हमको। अच्छा नीचे में है, मैं दिखाती हूँ, अच्छा नीचे में तालाब नहीं है, तालाब जैसा ही है, देखो ये रहा, ऐसा कुछ है, और ये लोग यहाँ पे बैठा है, तो चलते हैं गाइस ऊपर की ओर, तो ये गोलू लोग ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, अब मेरे को जाना ही वो वाला जो मंदिर है उसको वो साइड जाना है। उन लोग खाने तक गए, यहाँ पे कुछ कुछ मिलता है खाने के लिए, मैं सोच रही कुछ खरीदते हुए जाऊँ खाने के लिए, पूछते हैं क्या मिल रहा है। कैसे दे रहे चन्ना, 10-20 जैसा वो लगे, ठीक है 10 का दीजिए, तो बना के थोड़ा तीखा सा देते हैं। तो अभी बनाए लोग गाड़ी वाले लोग, नहीं नहीं वो लोग अलग है, नहीं वो वही लोग अभी बना के दिए। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, दीजिए ना मुझे 10 रुपये दीजिए। वो ये रहा देखिए चन्ना, इसको मैं खाती रहती हूँ गोलू लोग खाने तक, लगता है गोलू लोग आ रहा है सामने से, लगे ही लोग हैं, गोलू आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग घर आ गए हैं, मछली पहाड़ गए थे जो बाहर से, और घर आते बाहर से हम लोग चिकन वगैरह लेके आए क्योंकि आज सुबह से खाना नहीं बना था हमारा, तो हम लोग सुबह सुबह ही नाश्ता करके इधर निकल गए थे, और अभी आए घर तो अभी हमारा खाना बन रहा था, अभी हमारा चावल देखिए इधर बन गया है, चिकन है इधर, मनीषा भी मिक्सी पीस रही है, अभी हमारा लंच हो रहा है, 4 बजने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पे लंच तो नहीं बोल सकते, इवनिंग में नाश्ता क्या रहता है, बट अभी हम लोग खाना खा रहे थे, दोपहर में हम लोग नहीं खाए थे, बन गया तो खा रहे।